स्वाद का समझना एक जरूरी चीज होता है किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो कुछ भी हो। तो सबसे पहली चीज, जब बच्चा अपने आप को रिस्पेक्टेड फील नहीं करता घर में, मतलब कि फर्स्ट प्राइमरी फैमिली में, तो वो उसके अंदर का जो एतमाद है वो अंदर ही लग जाता है। हम ये नहीं कहते कि एतमाद खत्म हो जाता है, क्योंकि इनमें तो उसके वो खत्म नहीं होती, वो दब जाता है या वो कम हो जाता है। दूसरी चीज, अगर घर में होप का इन्वायरमेंट है, यानी कि पेरेंटिंग जो है वो इतनी अथॉरिटेटिव है कि बच्चे को डरा धमका के पेरेंट किया जा रहा है, इस सूरत में बच्चे में आप देखेंगे कि एतमाद की बहुत सारी कमी आएगी। तीसरी चीज के, जब बच्चा एक सर्टन एज से आगे आ जाता है, उसकी अपनी रीजनिंग और थिंकिंग काम करने लगती है, जैसे कि 10 साल की उम्र, तो उसको लॉजिक दिए बगैर अपनी बात जबरन मानने को कहना एज अ पेरेंट, ये भी बच्चे में से एतमाद को कम करता है, क्योंकि उस उम्र के लिहाज से उसकी अपनी भी एक सोच होती है, एक लॉजिक होती है। जब उसकी सोच और लॉजिक को कोई जवाब नहीं मिलता, तो उस सूरत में उसके अंदर एतमाद की बहुत सारी कमी होने लगती है। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हो गई, एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट जब उसकी प्रोटेक्ट नहीं हो रही, या वो खौफ की फिजा में है, या वो जबरन पेरेंटिंग में है, और चौथी चीज़ है कि बच्चे को एम्बेरस करा के उसे गलती का एहसास दिलाना कि आपके बच्चे से तो गलत हरकत हो गई है, और आप बजाय उसके कि उसे साइड पे ले जा कर के या बाद में किसी अच्छे तरीके से उस पर बात करें, आप बच्चे को दूसरों के सामने या बच्चे साइड से ले जा करके भी उसको शर्मिंदा कर करके उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी बच्चे में से एतमाद को बहुत कम करती है। क्योंकि ऑलरेडी जब किसी भी इंसान से बच्चे से कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि ठीक नहीं होती, तो वो नेचुरली भी उस बात से शर्मिंदा होता है, और जब आप उसे शर्मिंदा करते हैं तो ये चीज़ उसके अंदर से एतमाद को कम करती है।